चैनल में आप लोगों को बहुत ही स्वागत है। मैं बहुत अच्छी हूँ, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने सुबह एक ब्लॉग छोड़ा था आप लोगों के लिए, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। तो मैंने बताया था कि इवनिंग को हमारे सोसाइटी में भी है, तो सब ने अप्रिशिएशन किया और बहुत सारे तालियों से और ऐसे बर्तन वगैरह लेके किन किन करके पूरा एकदम सोसाइटी गूंजने लगा। बहुत ही अच्छा लगा, फीलिंग बहुत ही अच्छा फील आया हम लोगों को। और हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया उसमें, हर एक के बालकनी में खड़े रहकर हर कोई कर रहा था, बजा रहे थे सब और तालियां भी क्लैपिंग भी कर रहे थे। और मैंने और गुड्डू ने दोनों ने मिलके किया और उसके पापा ने क्लैपिंग किया, तो मैं आपको वो वीडियो शेयर करूँगी। और एक अच्छी बात है कि संबलपुरी दास क्रिएशंस के एक मोनालिसा मैडम है, जो कि मैं उनके सब्सक्राइबर हूँ और मुझे उनका जो ब्लॉग है बहुत पसंद है देखने के लिए। उनके वीडियोस में बहुत ज़्यादा ही देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद आता है। एक्चुअली वो दिल खोल के बोलते हैं, ऐसे कुछ छुपाती नहीं है और पूरा ओपनली बोलते हैं, बहुत क्लियर हार्टेड हैं वो। और मैं उनके ब्लॉग्स वगैरह देखती हूँ, तो उन्होंने एक कंपटीशन रखा था उन्होंने, तो उन्होंने जैसे जैसे प्रोसेस बताया था मैंने वैसे ही किया। और एक्चुअली मैं ही मुझे उनका मैसेज आया, मैं वेट करके बैठी थी कि इतने लोगों ने पार्टिसिपेट, मतलब इतने लोग ज्वाइन किए, 27 कुछ कम बात नहीं है, 27 लोगों ने ज्वाइन किया वो ग्रुप को फेसबुक पे, पर ओनली 5 लोग आई थिंक, हम तीनों लेडीज़ थे और एक भैया थे, जेंट्स थे वो, तो चारों राइट 4% हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बाकी लोग पूरा चुप भी रहे, क्यों पता नहीं, आई थिंक उनको क्या हुआ पता नहीं। मैं कुछ किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहती, पर पार्टिसिपेट करना चाहिए हर एक चीज़ में, आप मिले या ना मिले, पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलता है और हम मतलब कितने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं ना, हम लोग देख नहीं पाते, तो इसी थ्रू कैसे हम लोगों में बॉन्डिंग भी बनी रहेगी, हम लोग एक दूसरे के चैनल भी देखे रहेंगे, तो अच्छी बात है ना ये। तो हम चारों ने पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे विनर घोषित किया गया। तो 21st को आई थिंक, या 21st को 2 बजे 1 बजे मैडम ने अनाउंस किया, 1:30 बजे अनाउंस किया, और मैं बहुत ही खुश हुई और अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच मुनलिसा मैम, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और ये ग्रुप आप लोग ज्वाइन कीजिए, बहुत ही अच्छा है, हम लोग अच्छे अच्छे रेसिपीज़ वगैरह और हमारे जितने भी ब्लॉग्स सब है, हम लोग आप उधर शेयर करेंगे, तो ताकि हम लोग भी देख पाएँ कैसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाया जाता है, एक दूसरे के बारे में जान सके, तो वो बहुत अच्छी बात है। और मैंने भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को इनविटेशन भेजा है उस ग्रुप में ज्वाइंट होने के लिए, जिनको इंटरेस्ट है, ऐसे नहीं कि सबको भेजूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना पसंद भी नहीं करते, पर जिसको इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड मीन्स जो लोग मेरी ब्लॉगिंग भी देखते हैं उनको इंटरेस्टेड होगा। वैसे तो मेरे बहुत सारे स्कूल्स फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स, सोसाइटी के फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, मतलब अगर मैं वो सब अगर एक साथ मेरे को सब्सक्राइब कर दी ना, कर देंगे ना, तो आई थिंक मैं 50K 100K तक पहुँच जाऊँगी, पर ऐसा कैसे वो आप लोगों को मैं क्या बताऊँ। अभी आप लोगों को पता होगा बहुत सारे लोग जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है और अच्छा लगता है कि हाँ कोई आगे बढ़ रहा है, अलग सा कुछ करके दिखा रहा है, तो वो लोग करते हैं। तो ऐसा है, तो जो लोगों को इंटरेस्टेड है और मुझे हमेशा कमेंट देते हैं, वही फ्रेंड्स लोगों को मैंने इनवाइट किया है उस ग्रुप में आने के लिए। बहुत ही अच्छी ग्रुप है, आप लोग भी आए और आप ज्वाइन कीजिए वो ग्रुप को। हम लोग अच्छा सा बॉन्डिंग रहेगा हम लोगों के बीच, और एक अच्छा सा ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसमें कुछ भी आपको बोलते हैं ना, प्राउडनेस या अहंकार नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर हार्टेड पर्सन, और सब मिलजुल के करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे हमने आज का डे कैसे हमने सेलिब्रेट किया, 22 मार्च को कैसे किया हमने सब। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग।